की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर गांधी वाटर पार्क बगल में ही है, आराम स्वरूप पड़ जाएगा 2 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर। हाय दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ए इंफ्रा ब्लॉग पर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अभी पिछले टाइम में आपको काफ़ी जगहों की प्रॉपर्टी दिखाई गई सुल्तानपुर रोड और रायबली रोड की। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं आवासीय प्लॉट और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे, जो कि आप तुरंत अगर आसपास देखेंगे तो काफ़ी मकान बने लोग रह रहे हैं। तो इसी के बारे में आपको आज पूरी चीज़ बताई जाएगी और इसी के बारे में आपको प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल मिलेगी। और उससे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। और लखनऊ में तरह तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलती रहेगी देखने के लिए, जिससे आपका घर बैठे बैठे समय बचेगा और फील बचेगा। आप वहाँ से बैठे बैठे विजिट कर सकते हैं, उसके बाद में आप आके यहाँ प्लॉट साइट देख सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो पहला तो आप साइट का पूरा फुल रिव्यू लीजिए, साइट पर देखिए क्या मकान कितने बने हैं, उसके बाद में और चीज़ें आपको बताते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने पूरा फुल रिव्यू देखा होगा, काफ़ी यहाँ पे मकान बन गए हैं लमसम हद तक, अगर देखा जाए काफ़ी एरिया में मकान बन गए। और इसके बारे में आज हमें सपाद जी पूरी जानकारी देंगे। आइए हम उनको बुलाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज को पूरी जानकारी बताएंगे यहाँ पे किस लोकेशन पे है, क्या रेट है और किस साइज़ के प्लॉट यहाँ अवेलेबल है, बैंक फाइनेंस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल दी जाएगी। आइए, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, हमारे दर्शकों को हाय करिए और बताइए इस साइट का मेन पहला तो लोकेशन कहाँ पे है, ये हम लोग मौके पर कहाँ खड़े हैं। साइट की लोकेशन की बात की जाए तो साइट की लोकेशन जो है जुगौर ग्राम सभा पे है, दयाराम पुरवा लगता है और फैजाबाद मेन रोड से इसकी दूरी जो है 1200 मीटर की है और आप सामने देख रहे हैं किसान पथ है और जस्ट अगर पीछे देखेंगे जूम करके 300 मीटर तो किसान पथ भी बगल में ही है। किसान पथ की दूरी 300 मीटर है और पीछे एक बिल्डिंग आपको दिख रही है जो बीबीडी ग्रीन सिटी बिल्डिंग है। अच्छा, यहाँ से अगर बीबीडी की बात करें, बीबीडी कितनी दूर होगी? बीबीडी की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर और फैजाबाद रोड की अगर बात करें तो फैजाबाद रोड यहाँ से 1200 मीटर की दूरी 1200 मीटर की दूरी पे और आनंदी वाटर पार्क बगल में ही है। आनंदी वाटर पार्क की दूरी यहाँ से 250 मीटर की दूरी है, बगल में ही है। और इसके आसपास में अगर बात की जाए हॉस्पिटल या स्कूल, जैसे चंदन वगैरह यहाँ पे काफी नजदीक में है शायद, पॉलिटेक्निक अगर कमता की बात की जाए, स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत नजदीक हैं। अब सबसे पहले यहीं पे 1.5 किलोमीटर पे ही राम स्वरूप पड़ जाएगा, 2 किलोमीटर पे बीबीडी स्कूल पड़ जाता है, कॉलेज पड़ेगा, उसके बाद सरस्वती डेंटल कॉलेज पड़ेगा, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद आपका चंदन पड़ जाता है, चंदन हॉस्पिटल जो की। और पॉलिटेक्निक की अगर दूरी की बात की जाए तो पॉलिटेक्निक हमें लगता है 8 से 9 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर की दूरी पे आएगा। चिनैट मटियारी आपका ये सारी चीज रास्ते में पड़ेगा, मेन पॉलिटेक्निक आप भी जान रहे होंगे, बीबीडी का भी एरिया आप जान रहे होंगे वहाँ पे पड़ेगा। और अगर बात करते हैं इसमें और चीज़ों की लोकेशन के, जैसे आसपास में क्या क्या चीज़ें जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों, ज़्यादा सबसे करीब में तो जैसे ये है कि आप किसान पथ देख रहे हैं, ये 300 मीटर की दूरी पे है, आनंदी वाटर पार्क है 250 मीटर की दूरी पे, बाकी फैजाबाद रोड है
वो 1200 मीटर की दूरी पे है, तो चीज़ यहाँ बेहतर आपको सारी मिलेंगी। और आप यहाँ एक और चीज़ें देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, मकान वगैरह बनना चालू हो गया है। और यहाँ पे दो गेट रहेंगे, एक गेट आपका बना जस्ट हुआ है, पीछे बना हुआ गेट ऑलरेडी नहीं बना हुआ है, और एक इससे 100 मीटर आगे इधर फैजाबाद रोड की तरफ बढ़ेंगे 100 मीटर पे, तो एक गेट वहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ये है कि मंदिर वगैरह भी आपको पास में ही मिल जाएगी, यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक बिल्कुल सोसाइटी पे ही है, एक उसके पीछे आपको मिलेगी। अच्छा, अगर इसमें डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट जैसे क्या क्या आप लोग डामर रोड लाइट नाली में क्या क्या चीज़ें करके दे रहे हैं पूरी सुविधाओं में अगर बात की जाए तो? यहाँ पे सुविधा में इस डामर रोड आपको देंगे, 35 फीट की मेन रोड 40 फीट की रहेगी, जिस पर डामर रोड रहेगा, बाकी जितनी भी सोसाइटी के अंदर है वो 25 फीट से कम कोई रोड नहीं है। और काफ़ी हद तक तो डामर रोड आपके यहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ लगभग सब मकान बने हैं वहाँ तक का मकान भी रोड आपका पड़ा हुआ ऑलरेडी। और अब यहाँ पे सोसाइटी जो है कंप्लीट पे है, डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, सारी चीज़ें कंपनी करना चालू कर दी है। बाकी ये इधर जो आप लॉकडाउन वगैरह देख रहे हैं उसकी वजह से हर जगह काम लेट हाँ वो तो हर जगह लेट हुआ है थोड़ा बहुत आपका लेकिन टाइमिंग अब में। इस टाइम पे यहाँ पे सोसाइटी में मकान वगैरह बहुत तेज बन रहे हैं, लाइट का काम चल रहा है, ट्रांसफार्मर लगने वाला है, रोड का काम चल रहा है, बजरी वगैरह हर जगह आप देख रहे हैं पड़ी हुई है, रोड लाइट नाली और पानी का काम भी होगा, तो ये सब सारी सुविधा जो है कंपनी आपको करके देगी। अच्छा, यहाँ नियरेस्ट में अगर बात करते हैं स्टेशन की तो कौन सा पड़ेगा, जुगौर या मल्होर? आपको दोनों स्टेशन के बीच में लगभग पड़ रहे हैं, आप ये जुगौर आपका बहुत करीब पड़ेगा और उसके बाद मल्होर शायद 2 किलोमीटर की रेंज में आता है, और प्लस गोमती नगर भी स्टेशन आपका पास में पड़ता है, लमसम 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में गोमती नगर स्टेशन आ जाता है, जहाँ से हर गाड़ी आपको मिल जाएगी। आने वाले टाइम में गोमती नगर स्टेशन बड़ा हो गया है और काफ़ी बड़ा एरिया बन भी रहा है, उसका काम चल रहा है। और अगर इसमें प्लॉट साइजेस की बात करें, प्लॉट साइज वगैरह क्या होंगे, किस साइज के दिए जाए? जैसे 40 फीट की रोड है तो उस पर 70 की गहरान के प्लॉट हैं, 25 फीट की रोड है उस पर 50 के डेफ के प्लॉट हैं, 40 के भी प्लॉट मिल जाएंगे। कहने का मतलब प्लॉट आप 600, 700, 800, 1000, 1200 मतलब कोई भी साइज आप ले सकते हैं, टू जो साइजें मिल जाएंगी। रोडें 25 फीट की ही रहेंगी, उससे नीचे की रोडें नहीं मिलेगी, बाकी मेन रोड आपको 30 और 40 की रोड मिल रही है इसमें। अच्छा, क्या फाइनेंस अवेलेबल है? फाइनेंस अवेलेबल है, सुविधा सारी है। अच्छा, मतलब PPLC या परचेजिंग या जो भी लोन लेना चाहेंगे लोन मिल जाएगा, वो लोन आपको मिल जाएगा क्योंकि कंपनी के पास सारी सुविधा है। और यहाँ पे डेवलपमेंट और रोड वगैरह काम चल रहा है तो किसी भी बैंक को फाइनेंस करने में सुविधा नहीं हो रही। अच्छा, इसमें अगर रजिस्ट्री की बात करें, ये रजिस्ट्री कहाँ आती है इसकी? इसकी रजिस्ट्री आपके लखनऊ आती, सदर तहसील जी, ये जुगौर ग्राम सभा में आता है ये एरिया पूरा आपका। जी जी, जुगौर ग्राम सभा दयारामपुरवा, दयारामपुर जिसमें ये रजिस्ट्री आती है, और इसकी रजिस्ट्री लखनऊ सदर में होगी पूरी। और ये क्या नगर निगम में हो चुका है या फिर अभी होना है? नगर निगम में आ चुका है, जो अभी 84 गांव करीब लगभग लिए गए हैं, तो इसमें इसकी फाइल वगैरह जा चुकी है, तो अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है क्योंकि किसान पर आउटर रिंग रोड के अंदर भी आ चुका है, तो ये सारी चीजें जो है कागजी कार्रवाई काम चालू हो गए हैं। और आपका जो BBD के आगे तक तो आपका नगर निगम था, ये भी आ गया है। अच्छा, ये भी आपका नगर निगम में हो चुका है, जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको नगर निगम की सुविधा मिलेगी। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं अगर प्राइजिंग की, तो यहाँ पे क्या प्राइस अभी चल रहा होगा? अभी तो यहाँ काफ़ी कुछ बन चुका है, काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, तो अभी प्राइस क्या यहाँ पे चल रहा होगा? प्राइस यहाँ 1499 लगभग, मान के चलिए 1500 का रेट यहाँ पे, 1500 रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, जिसमें प्लॉट साइज की बात करें तो छोटे बड़े सारे साइज अवेलेबल हैं, और रजिस्ट्री लखनऊ केसरबाग में है। और इसकी अगर रजिस्ट्री बात करें, किसान करेंगे या कंपनी करेगी या किसके नाम पर ये रजिस्ट्री है? यहाँ पे कंपनी के नाम रजिस्ट्री है। अच्छा, ये सारी रजिस्ट्री मतलब कंपनी के नाम पे है, किसान से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किसान से कोई मतलब नहीं। और पोजीशन रजिस्ट्री की अगर बात करें तो पोजीशन आप जो है टोकन डालिए, पोजीशन ले लिए, बाउंड्री करा लिए, उसके बाद आप रजिस्ट्री 10 दिन। अच्छा, मतलब पोजीशन आप तुरंत ले सकते हैं, रजिस्ट्री आपकी तुरंत है, और बनवा के रहना चाहे तो बनवा के रह सकते हैं। वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, जिसे सबके मकान बन रहे हैं, तो मकान बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आपको जब तक सारी सुविधा भी आपको लगभग मिल जाएगी आपके मकान। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोस्तों को बताने के लिए।
तो जैसा कि अभी आपको देखे सफा जी ने आपको पूरी जानकारी बताई यहाँ की और पूरी डिटेल दी। अगर इनकी साइट आप विजिट करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें, देखिए बीबीडी 2 किलोमीटर, किसान पथ आपका आउटर रोड मात्र 300 से 400 मीटर, जिसपे कनेक्टिविटी आपको ऑल ओवर मतलब लखनऊ के जितने हाईवे सारे कनेक्टेड, चाहे वो सुल्तानपुर रोड हो, चाहे सीतापुर रोड हो, चाहे कानपुर रोड हो या रायबली रोड हो, मतलब जितने हाईवे हैं सारे कनेक्टेड मिलेंगे आपको। तो इसके आपको आने वाले टाइम में ये कि ग्रोथ भी बहुत अच्छा है और इस सोसाइटी का क्रेज भी काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास काफ़ी अच्छी सोसाइटी बस रही है और जस्ट बगल में आनंदी वाटर पार्क भी है यहीं पे, तो एक सुविधा आपको वो भी मिल जाती है और कॉलेज स्कूल ये सारी चीज़ें, तो आप जान ही रहे कि यहाँ पे बीबीडी के आसपास बहुत सारे हैं, काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको विजिट करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।